हेलो कैंसर्स, कैसे हैं आप लोग? सो फर्स्ट ऑफ ऑल जनवरी मंथ के लिए हैप्पी हैप्पी न्यू ईयर। ये नया साल आप लोग के लिए शुभ हो। अब हम बात कर लेते हैं नो कैंसर राशि वालों के लिए जनवरी का महीना कैसा रहने वाला है, क्या एनर्जीज रहेंगी। सो देख लेते हैं क्या कार्ड्स में मैसेजेस आ रहे हैं आप लोगों के लिए। ओके सो कैंसर्स, सबसे पहली चीज़ जो आप लोग के लिए मैसेजेस दिखाई पड़ रहे हैं, दैट इज़ द 10 of Cups के कार्ड हैं। सो मंथ की शुरुआत में पॉजिटिविटी दिख रही है, शादी पक्की हो सकती है, शादी की बात हो सकती है, रिलेशनशिप में रिकन्सिलेशन हो सकता है, फैमिली के साथ अच्छी एनर्जीज आप बिता सकते हो। तो बड़ा पॉजिटिविटी से महीना शुरुआत लेकर आएगा। मिड मंथ तक भी न्यू ब्लेसिंग्स, न्यू एनर्जीज है, नए काम की शुरुआत होती हुई दिख रही है, न्यू आइडियाज़ आते हुए दिख रहे हैं, कुछ न्यू प्लानिंग आप कर सकते हो, एक नया जज्बा, नई पॉजिटिविटी के साथ ये महीना आप लोग का शुरू होगा। जो भी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी उसको बस येस कह देना, आगे बढ़ जाना आप लोग के लिए अच्छा माना जाएगा। मैं कहीं ना कहीं कहूँगी, जितने भी लोग अपने बच्चों को लेकर के परेशान हैं, अपने बच्चों को लेकर के तनाव हैं, उनसे भी रिश्ते आपके सुधरेंगे, अच्छे होंगे, बच्चे आप लोग की बात सुनेंगे और फैमिली में ऑल ओवर एक अच्छी एनर्जीज आप लोग के लिए बनी रहेंगी। तो ये तो एक पॉजिटिविटी दिख रही है। अब यहाँ से मिड मंथ से कुछ बातों को लेकर के आप नेगेटिव सोच विचार कर सकते हो, इमोशनली सैड अपसेट हो सकते हो। तो यहाँ पर कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि जो चीज़ें वर्कआउट नहीं हो रही होंगी उसको लेट गो कर दीजिएगा, जो वर्कआउट हो रहा होगा उस पर फोकस कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि जो लोग आपका साथ दे रहे हैं आप उनका साथ दें, और जो आपका साथ नहीं दे रहे हैं इस वक्त में उनसे कहीं ना कहीं आप दूरी बना कर रखें, थोड़ा सा प्रैक्टिकल नज़रिए से भी देखें तो आप लोग के लिए अच्छा माना जाएगा। कैंसर्स, बहुत ज़रूरी है ये चीज़, थोड़ा सा रेस्ट। कैंसर्स, अब बहुत ज़रूरी है कि आप मेंटल तनाव या इमोशनल तनाव में ना मिड मंथ के बाद में, जनवरी के मिड मंथ के बाद में थोड़ा सा मुझे स्ट्रेस दिख रहा है कैंसर्स। तो यहाँ पर आप लोग के लिए करें फिजिकल रेस्ट, मेंटल रेस्ट, इमोशनल रेस्ट बहुत ज़रूरी होगा, ठीक है। हेल्थ रिलेटेड थोड़े बहुत इश्यूज रह सकते हैं, मैं कहूँगी बॉडी पेन रह सकता है, बैक पेन, हेडेक, इमोशनली स्ट्रेस एंड एनर्जी आपको लो लग सकती है। सो जनवरी के मिड के बाद में ना थोड़ा सा आपको एनर्जी अपनी लो लग सकती है, इसको बैलेंस रखने के लिए, अच्छा रखने के लिए मेडिटेशन, योगा, रेस्टिंग, एक्सरसाइजिंग ज़रूर फॉलो अप रूटीन में रखेगा। उससे आपकी एनर्जीज अपलिफ्टेड रहेंगी, आप पॉजिटिव फील करोगे, अच्छा महसूस करोगे। सो ये आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आगे आपको ऐसा लगेगा कि आप स्टक हो गए हो लाइफ में, आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ नहीं खुल रही हैं, समझ में नहीं आ पा रहा ऐसा क्यों हो रहा है। और ये सब ना मंथ एंड में एहसास होगा आपको। मंथ की शुरुआत बड़ी पॉजिटिव रहेगी, स्टार्टिंग के 10 दिन 15 दिन आप लोग के अच्छे बीतेंगे, उसके बाद में थोड़ा सा स्ट्रेस, परेशानियाँ, मैं कहूँगी अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं, बट ना जीवन में आपको लगेगा कि जो आप कहीं ना कहीं आपको लगेगा स्टक, मेरे हिसाब से जो सही वर्ड है वो होगा स्टक का। लेकिन ये जो आपको लग रहा होगा कि आप जो सिचुएशन में फंस गए हैं, आपको फ्यूचर नहीं दिख रहा है, आपको समझ में नहीं आ पा रहा डिसीजन क्या लेने चाहिए, मे बी आपकी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है, मे बी आपके घर में प्रॉब्लम चल रही है, मे बी आपके काम में, मे बी आपके ऑल ओवर एनर्जीज में आपको ऐसा लग रहा हो, बट ये ना जो तनाव मुझे दिख रहा है ये मोस्टली आपकी पर्सनल लाइफ का है, एंड ये आपको मेंटली डिस्टर्ब कर रहा है कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि जो सारे कार्ड्स के कॉम्बिनेशन है ना, थोड़ा सा इमोशनल स्ट्रेस मिड मंथ के बाद में मुझे आता हुआ दिख रहा है मेरे हिसाब से, बाकी और किसी क्षेत्र में भी हो सकता है, पर ये कुछ एनर्जीज। अब यहाँ पर इसको बैलेंस रखने के लिए अगेन वन बाय वन हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ये मत सोचे ना कि भाई हम इसी सिचुएशन में स्टक हो गए, हम यहीं रहने वाले हैं लाइफ पर, नहीं, बेबी स्टेप्स लीजिएगा। बड़े बड़े स्टेप्स लोगे ना तो स्टक हो जाओगे, वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी और ज़्यादा परेशान होकर वहीं पर अटक जाओगे। तो स्टेप बाय स्टेप प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करना मिड मंथ के बाद में। विल पावर को 2000% बढ़ाना पड़ेगा, आपकी विल पावर से आप सिचुएशन को चेंज कर सकते हो। अपनी विल पावर को स्ट्रांग रखना, जितनी भी बड़ी प्रॉब्लम्स आ जाए आप उसको फेस कर लोगे, पार कर लोगे, आगे सक्सेस आपको मिल जाएगी फॉर श्योर। बिकॉज ये जितने भी कार्ड्स आए ना आप लोगों के लिए, ये कार्ड्स इंडिकेट करते हैं विल पावर। विल पावर स्ट्रांग होगी, सिचुएशन को हैंडल करोगे, इमोशनली स्टेबल हो जाओगे, जल्दी लेट गो कर लोगे। ये कार्ड भी कहता है आपकी इंटरनल पावर, प्रार्थना, विल पावर मैजिक लेकर आ सकती है ये भी। ये तो चलो फिर भी रेस्टिंग का कार्ड है, बट बहुत लोग ना
आराम करने से या सिचुएशन को ऐसा ना सरेंडर करने से डरते हैं उनको, इतनी हमें सिचुएशन के बारे में दिन रात सोचते रहना तनाव लेते रहना रहते रहना तभी प्रॉब्लम सॉल्व होगी, नहीं। बट आपको ऐसे करके स्ट्रेस को रिलीज करना है, सरेंडर करना है ना, आपने सोचना है कि भैया जो मेरे नसीब में लिखा है ना वो हो जाएगा, जो हो रहा है होने दो, मुझे चीज़ों को कंट्रोल नहीं करना है, ओवर प्रेशर लेके चीज़ों के ऊपर काबू करने की कोशिश नहीं करनी, जस्ट सरेंडर, जो होगा अच्छा होगा, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो हुआ वो भी अच्छा हुआ, यू नो, गीता का सार याद कर लेना एंड उस तरीके से माइंडसेट रखना तो अच्छा होगा। सो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस को रिलीज़ करने की कोशिश करते रहना चाहे जो भी हो जाए, ये बिल्कुल मत सोचना कि स्ट्रेस लेने से प्रॉब्लम सॉल्व होंगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है, इसीलिए रेस्टिंग के कार्ड्स आए हैं। आगे यहाँ पर अगर मैं देख लेती हूँ एनर्जीज, अच्छे कार्ड्स आए हैं, आई लाइक इट। अब देखो यहाँ पर ना बड़ा खूबसूरत मैसेज आया है, नो बीनीथ द सर्फेस लाइज ग्रेट बाउंटी। इसका मतलब ये है कि नो शायद आप नहीं जानते आपके पास कितनी ज़्यादा इनर पावर है, ताकत है, पॉजिटिविटी एंड ऑल्सो अबंडेंस के भी कार्ड ये इंडिकेट करता है। तो पहली चीज़ तो विल पावर अच्छी रहेगी आप लोगों की, मंथ एंड में अपने आप बढ़ाते बढ़ाते एंड तक अच्छी हो जाएगी। लेकिन आपको ना इस महीने में ये भी बड़ा अच्छा देखने मिलेगा कि आपको जो स्टार्टिंग ऑफ द मंथ में ना जॉब के लिए देख रहे हो, मनी रिलेटेड अबंडेंस रिलेटेड आपको अच्छी सक्सेस मिलेगी। बट आपको अपने अंदर से कॉन्फिडेंस का रियलाइज़ होगा कि भाई मुझे नहीं पता था मैं ये सिचुएशन इतनी अच्छे से हैंडल कर सकता हूँ, मैंने नहीं सोचा था ये चीज़ मुझे इतनी आसानी से मिलेगी। वाइज लीडर, ये महीना है एक लीडर बनने का, ये महीना है अपने आप को पहचानने का और ग्रो करने का और कॉन्फिडेंट बनने का, चीज़ों को खुद हैंडल करो, इंडिपेंडेंट बनने का टाइम है ये महीना। आप लोग को लोग बार बार रिमाइंड करा रहा है कि अपने इंटरनल पावर्स को पहचानो, अपनी सिचुएशन को बदलने की कोशिश करो और विल पावर एक यू नो शेर की तरह रखने के लिए कार्ड्स आए हैं। एंड ये बहुत ही अमेजिंग आया है कि जब तक आप अपनी जर्नी में अपनी सपनों वाली मंजिल तक नहीं पहुंच रहे हो, जो आपका सपना है कि भाई मुझे यहाँ होना चाहिए, मुझे इस इंसान से शादी करनी है, मेरा इतने पैसे मुझे कमाने हैं, जो भी आपका एक बड़ा गोल आपने सोचा हुआ है, जब तक वो नहीं मिलता या नहीं होता तब तक यू नो जर्नी में आप जहाँ पर भी अपने जीवन में हो, जहाँ पर भी, कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि अपने आप को ये ज़रूर कहना कि मैं जहाँ पर भी इस वक्त में हूँ यहाँ पर ही मैं एग्जैक्टली रहने के लिए बना था। सो यहाँ पर लिखा हुआ यू आर एग्जैक्टली वे योर नीड टू बी। तो जीवन में यूनिवर्स के अकॉर्डिंग आप हमेशा वहाँ होते हो जहाँ पर आपका होना लिखा होता है। ऐसा कभी नहीं होता है कि आपको लग रहा हो कि भाई मेरी किस्मत में मैं कहाँ हूँ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्या वजह थी इसकी, ये होना ज़रूरी था क्या। नहीं, कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि भरोसा रखो कि आप जहाँ पर भी हो किस्मत में आपका वो एक्सपीरियंसेस होने लिखे थे, वो लेसन सीखने लिखे थे और वहीं पर आप हो, अब आपकी जर्नी में आप आगे बढ़ते चले जाओगे, ये भी कार्ड्स कह रहे हैं। सो देखो मिड मंथ के बाद में थोड़ा सा तनाव स्ट्रेस है, लेकिन जो जो एडवाइसेस आपको आ रही हैं वो फॉलो करोगे तो डेफिनेटली यू विल सी कि वो मंथ पॉजिटिव में चेंज हो रहा है। न्यू बिगिनिंग्स, अनस्टॉपेबल एनर्जीज। देखो बिगर गोल्स के लिए ज़रूर कार्ड्स आपको कह रहे हैं कि बड़े सपने रखो लेकिन शुरुआत छोटे छोटे से करनी होगी, बेबी स्टेप्स। एक्शन ओरिएंटेड जो भी एनर्जीज आप लोग के लिए आए हैं, सिर्फ और सिर्फ बार बार पूरी रीडिंग में दो ही चीज़ें हाईलाइट हुई हैं, विल पावर स्ट्रांग रखनी है पूरे महीने में, मिड मंथ के बाद में तनाव स्ट्रेस आ सकता है, अपने आप को स्ट्रांग रखना है और बेबी स्टेप्स की सक्सेस बनाना है। गोल बड़ा रखो पर इसके अंदर बेबी स्टेप्स भी लिखो, है ना, तो स्मॉल छोटे छोटे स्टेप्स लेकर दिन ब दिन उसमें आगे बढ़ो, तो वो चीज़ आपको ज़्यादा कंसिस्टेंसी से किया हार्डवर्क ज़्यादा सक्सेस आपको देगा कैंसर्स, तो ये बहुत ज़रूरी। और अपने बेस्ट फ्रेंड बन जाना जनवरी मंथ में बहुत ज़रूरी है, विल पावर स्ट्रांग रखना, 2000% बढ़ानी होगी जनवरी मंथ में। सो हिम्मत बनाए रखना, पॉजिटिव रहना कैंसर्स। ये महीने के आपके लिए स्पेशल मैसेजेस आए हैं, आई होप इससे आप कनेक्ट और रेजोनेट हो पाए हो कैंसर्स। इफ़ सो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, शेयर करना, लाइक करना। थैंक यू सो सो मच फॉर वॉचिंग कैंसर्स, थैंक यू।